नियंत्रित होने के बाद मध्य प्रदेश में तेजी के साथ विकास हो इसके लिए शिवराज सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर एमपी के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। विकास कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका वित्त की है। कोरोना के चलते प्रदेश के खजाने में भी इसका असर पड़ा है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज़वर्ल्ड से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश का राजस्व बढ़ा है और लगातार इस दिशा में बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपी के रोड मैप पर तेजी के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार विभिन्न विभागों का प्रेजेंटेशन और समीक्षा बैठक। हमारे साथ में है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, उन्हीं से जानते हैं कि एमपी के रोड मैप पर सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही। सर, सरकार किस गति से किस तेजी से आगे बढ़ रही? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और सभी विभिन्न विभागों का जो रोड मैप बना है और प्रदेश के विकास के लिए जो कुछ बनाया है रोडमैप, उस पर तेज गति से सरकार काम कर रही है और सारा पूरा मंत्रिमंडल भी और सारी सरकार इसमें लगी हुई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। सर, खजाने की क्या स्थिति, क्या सपोर्ट कर रहा है तो मैं किस तेजी से आगे बढ़ा जाता हूं? काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए। खजाने की स्थिति थोड़ी कम ज्यादा ये अभी इस कोरोना के महासंकट में सब तरह की स्थिति आई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अब धीरे धीरे खजाने की स्थिति सुधार पर आ रही है और जो रेवेन्यू जो हमारा कम पड़ा था वो रेवेन्यू अब धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। राजस्व प्राप्ति हमारी जो ठीक हो रही है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। यह हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है काम करने की। आपके पास वाणिज्य कर भी है, आप कार्य की बात करें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोरोना काल में तमाम सारे सेक्टर प्रभावित हुए, इसी कारण कि राजस्व जो आना चाहिए वो नहीं आया। इन सेक्टरों से अब क्या उम्मीद है, किस तरह से बूस्ट अप विभाग की तरफ से किया जाएगा? कमर्शियल डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि चाहे वो जीएसटी हो, आबकारी हो, पंजीयन हो, निरंतर इसमें थोड़ी सी राजस्व में प्रगति हुई है और आगे परमात्मा की कृपा से मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था पूरे प्रदेश की धीरे धीरे ठीक होगी। हालांकि प्रदेश की नहीं, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था इस कोरोना के महासंकट में गड़बड़ाई है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्थिति पटरी पर आ रही है। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना का महासंकट जड़ मूल से समाप्त तो हो जाए और तीसरी लहर की जो संभावना जो बन रही है वो लहर बिल्कुल नहीं आए। आखिर में जिस तरह से अभी राज्य कर्मचारियों को कहीं ना कहीं आंशिक राहत जरूर सरकार ने दी है, लेकिन केंद्र के समान डीए की मांग लंबे समय से रही है, इस दिशा में वित्त विभाग का क्या कुछ मानना? सरकार गंभीरता से इन सब बातों पर विचार करती है और आगे भी करेगी। तो आप देख सकते हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जिस तरह से कह रहे हैं कि एमपी के रोड मैप पर सरकार तेजी के साथ काम कर रही है और वित्त विभाग पूरी तरीके से कोरोना के बाद जिस तरह से राजस्व की बात करें वो भी कहीं ना कहीं अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि तमाम सारे डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में एक साथ शुरू किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।